दोस्तों आज वित्तकुंड के माध्यम से जानते हैं कि पैतृक संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति को कानूनी रूप से अपने नाम करवाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हम अपने नाम करवा सकते हैं। दोस्तों जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है, पुश्तैनी संपत्ति होती है, जो संपत्ति हमें विरासत में मिलती है, उस पर बहुत बार जो है विवाद हो जाता है, उत्तराधिकारियों के बीच में विवाद हो जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों जब अचल संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसको जो कानूनी उत्तराधिकारी है, कानूनी अधिकारी है, उनके बीच में बंटवारा कर लेना चाहिए। वो संपत्ति का हस्तांतरण जो है, संपत्ति का ट्रांसफर जो है, वो समय से कर लेना चाहिए ताकि किसी तरह का विवाद ना बने। तो दोस्तों आज वित्तकुंड के माध्यम से जानेंगे कि क्या है तरीका कानूनी रूप से किसी पैतृक संपत्ति को अपने नाम कानूनी रूप से करवाने का। दोस्तों अगर कोई पैतृक संपत्ति है, कोई पुश्तैनी संपत्ति है, तो उस संपत्ति का सिर्फ ट्रांसफर के जरिए, सिर्फ रजिस्ट्री करवाने से हम उसके कानूनी रूप से मालिक नहीं हो जाते, कानूनी रूप से मालिकाना हक हमें नहीं मिलता है। दोस्तों किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन के बाद जब तक दाखिल खारिज म्यूटेशन इंतकाल नहीं होता, तब तक जो है हम उस संपत्ति के एक्चुअल में वास्तविक मालिक नहीं बनते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि म्यूटेशन, दाखिल खारिज, इंतकाल क्या होता है। दोस्तों ये टर्म जो है वो अलग अलग राज्यों में यूज की जाती है, कहीं दाखिल खारिज बोल देते हैं, कहीं म्यूटेशन बोल देते हैं, कहीं पे इंतकाल बोल देते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों आपका जो जिला है, आपका जो तहसील कार्यालय है, आपका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वहां पे जब तक आपका नाम दर्ज नहीं होता, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनते, मालिकाना हक आपके नाम नहीं आता। इसी प्रक्रिया को वहां रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चढ़वाने को ही जो है दाखिल खारिज, म्यूटेशन या इंतकाल बोलते हैं। तो दोस्तों जो पैतृक संपत्ति होता है उसका रजिस्ट्रेशन के बाद हमें दाखिल खारिज, म्यूटेशन, इंतकाल करवा लेना चाहिए। दोस्तों जो पैतृक संपत्ति है उसको अपना नाम करवाने के लिए हमें जो है, हम जो अधिकारी हैं, हम जो उसके उत्तराधिकारी हैं, हमें उसका सबूत देना होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें, हमारे पास वसीयत होती है, लेकिन वसीयत जो है अगर वो कानूनी प्रक्रिया से नहीं बनी हुई है तो उसको जो है कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों जो भी वसीयत अगर हमारे पास है, उस वसीयत के आधार पर जो हम कानून वारिस होते हैं और जो हम उत्तराधिकारी होते हैं, हमें जो है सबूत देना होगा कि इस प्रॉपर्टी के हम उत्तराधिकारी हैं, इस प्रॉपर्टी के हम जो है कानूनी अधिकारी हैं। दोस्तों अपनी प्रॉपर्टी जो है हम अपनी इच्छा से किसी के नाम नहीं कर सकते, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को कर सकते हैं जो स्वार्जित हो, जो खुद से कमाई गई हो। अगर पैतृक संपत्ति है, अगर वो विरासत में मिली हुई संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं उसको किसी को भी दे सकते। हमें जो है पुश्तैनी संपत्ति को वसीयत के अनुसार ही जो है उत्तराधिकारी कानून के तहत ही जो है एक दूसरे के नाम जो है उत्तराधिकारियों के नाम बंटवारा कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वसीयत नहीं है तो समस्या जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका इलाज ये है कि हमें आपस में मिल बैठ के जो है उस संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए ताकि कोई विवाद ना बने। दोस्तों ये संपत्ति का बंटवारा जो है वो फैमिली सेटलमेंट के तहत होता है और सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जो है हमें इस सेटलमेंट का, इस बंटवारे का जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। दोस्तों अगर वसीयत नहीं है तो हमें जो है हलफनामा देना होगा, एफिडेविट देना होगा, और सभी जो उत्तराधिकारी हैं, कानूनी रूप से जो उत्तराधिकारी है, उनको जो है एक एनओसी भी जो है सब रजिस्ट्रार कार्यालय में देनी होती है। दोस्तों अगर हम आपसी बंटवारे के दौरान किसी उत्तराधिकारी को कैश देते हैं, नगद देते हैं, तो उसको भी जो है ट्रांसफर डीड में जो है, रजिस्ट्रेशन में जो है, जो संपत्ति की रजिस्ट्री होती है उसमें मेंशन करवा लेना चाहिए। दोस्तों और जब हम ट्रांसफर डीड बना लेते हैं, आपस में बंटवारा कर लेते हैं, तो दोस्तों उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज, म्यूटेशन या इंतकाल करवाना जरूरी होता है। दोस्तों अगर किसी प्रॉपर्टी पे होम लोन है तो सबसे पहले जो है बंटवारे से पहले हमें जो है होम लोन को चुकाना होगा, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल दस्तावेज होते हैं वो किसी बैंक में जमा होते हैं और हमें वो दस्तावेज तभी मिलते हैं जब हम उस
लोन को चुका देते हैं और जो अचल संपत्ति का जो मालिक था उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र वगैरह देके जो है हम बैंक से उस प्रॉपर्टी को छुटवा सकते हैं। उसके बाद जो है उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हमें करना चाहिए। दोस्तों अगर कोई प्रॉपर्टी पहले से ही लीज पे दी गई है तो जो लीज की शर्तें हैं, जो एग्रीमेंट की शर्तें हैं, उसके अनुसार हमें काम करना होगा। और दोस्तों जो लीज होल्डर है और जो उत्तराधिकारी हैं अगर उनके बीच में सहमति होती है तो हमें जो है नया एग्रीमेंट बनवाना होगा। अगर हम लीज को कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं, तो जो दोस्तों हमें नया एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए ताकि किसी विवाद से बचा जा सके। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जान पाए होंगे कि पैतृक संपत्ति को कानूनी रूप से अपने नाम कैसे करवाएं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त पूर्ण है। ओम विताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम विताय नमः। राम राम भाइयों।